पर है रजिस्ट्रेशन रेगुलेटर्स। सबसे पहला रेगुलेटर कौन है देखो तो आरबीआई। आरबीआई के पास हम दो मामलों में पहुंचते हैं, या तो एनबीएफसी खोलना चाह रहे हैं तब, या हम बैंक खोलना चाह रहे हैं तब। आप जानते हैं बैंक जितने भी होते हैं सब आरबीआई के अंदर आते हैं, और एनबीएफसी भी जितने भी होते हैं वो भी आरबीआई के अंदर आते हैं। बाकी एनबीएफसी के ऊपर एक चैप्टर भी था तुम लोग का एसबीसी में ही, एफएसओ फाइनेंशियल सर्विस ऑर्गेनाइजेशन है ना, वो मॉड्यूल सेकेंड में भी है वो। चलिए पहले हम देखते हैं एनबीएफसी वाला। क्या देखते हैं पहले? एनबीएफसी वाला। एनबीएफसी अगर आपको बनना है तो तीन कंडीशन सेटिस्फाई करना पड़ेगा। कितना कंडीशन? तीन। पहला कंडीशन नीचे से बोल देता हूं, पहले आप कंपनी होने चाहिए, प्राइवेट हो पब्लिक हो उसे फर्क नहीं पड़ता, टिक लगाते चलो भाई, बहुत जरूरी है, थ्योरेटिकल है, नहीं टिक लगाओगे मामला बिगड़ जाएगा। दूसरा, आपका मिनिमम नेट ओन फंड्स कितना होना चाहिए? 2 करोड़ रुपए का होना चाहिए। और तीसरा, आप फाइनेंशियल एक्टिविटी करते हुए नजर आने चाहिए। और फाइनेंसिंग एक्टिविटी कब माना जाएगा कि आपका फाइनेंसिंग एक्टिविटी है? 50-50 टेस्ट से। कौन से? 50-50 टेस्ट। 50-50 टेस्ट क्या? सुनिए, आपका जो टोटल एसेट है ना, आपका जो टोटल एसेट है उसका 50% फाइनेंशियल एसेट होना चाहिए। क्या होना चाहिए? टोटल एसेट का 50% क्या होना चाहिए? फाइनेंशियल एसेट होना चाहिए। ग्रॉस जो टोटल इनकम है आपका, टोटल इनकम का 50% आपका इनकम कहां से आना चाहिए? फाइनेंशियल एसेट्स से इनकम आना चाहिए। मतलब जो एसेट्स हैं उसमें ही 50% एसेट्स कैसे दिखने चाहिए? फाइनेंशियल एसेट्स। और इनकम जो है उसमें भी इनकम, आधा इनकम कहां से होता हुआ नजर आना चाहिए? फाइनेंशियल एसेट्स से इनकम होता हुआ नजर आना चाहिए। इसका मतलब तुम्हारा आधा जो फीचर है वो फाइनेंशियल वाला है, एसेट भी आधे फाइनेंशियल वाले हैं और इनकम भी आधे फाइनेंशियल वाले हैं। इसका मतलब तुम फाइनेंशियल बिजनेस में हो। इसका मतलब तुम कौन से बिजनेस में हो? फाइनेंशियल। इसी को बोलते हैं 50-50 टेस्ट। क्या बोलते हैं? 50-50 टेस्ट। याद रहेगा, एक पहले बिस्किट का नाम होता था 50-50, अभी भी है क्या? अब उतना नहीं चलता है, पहले बहुत चलता, अभी भी चलता है क्या? क्रैक जैक होता था एक समय में, बहुत अच्छा अच्छा एडवर्टीजमेंट आता था। अभी भी है क्रैक जैक? पता नहीं, या तो मैं ये सब खाता नहीं हूँ, अब क्रैक जैक हो गया। अब मैं सिर्फ एक ही बिस्किट खाता हूँ, वो मैरीगोल्ड। यस, है ना? मैरीगोल्ड बोलते हैं, मारीगोल्ड बोलते हैं, मैरीगोल्ड मैरीगोल्ड जो भी है, मैं वही ज़्यादातर खाता हूँ। अब तुम लोगों को एकदम पसंद नहीं होगा, तुम लोग वो खाते होगे, वो चॉकलेट वाला जो है ओरियो। अरे बाप रे बाप, नाम ही मत लो यार क्या। हाँ नहीं नहीं आप जरा बताओ, तीखा तीखा लगता है सच में चॉकलेट वाला? मुझे सब कुछ ज़्यादा चॉकलेट नहीं डालता, काला काला बिस्किट, बिस्किट थोड़ा सा अच्छा लगता है। कौन जैसे ऑरेंज क्रीम, ऑरेंज निकालो, ऑरेंज चाट जाओ, इलायची वाला। अच्छा ऑरेंज वाला ज़्यादा आता है, इलायची वाला थोड़ा कम आता है देखता हूँ मैं, है ना? खाते हो कभी ऐसे जैसे पहले उसका वो खा लिया? अभी भी ऐसे ही खाते हो? पहले उसका अलग से निकाल के खा लिया, अब बाद में वो बिस्किट खाया, या किसी को दे दिया छोटा बच्चा को, लो तुम खाओ? ऐसा नहीं करते है? अच्छा कौन सा बिस्किट सबसे अच्छा होता है? ऑरेंज वाला। क्रीम में ज्यादा अच्छा कौन होता है? जो खिला तुम्हें। देखो नीचे दुकान है, खा के पैसा दे देना, ठीक है? चलिए ये तीनों मुझे याद कराओ। पहले आप कंपनी होने चाहिए, प्राइवेट हो पब्लिक हो फर्क नहीं पड़ता, कंपनीज एक्ट में कंपनी होने चाहिए। दूसरा, नेट ओन्ड फंड 2 करोड़ का होना चाहिए। और तीसरा, 50-50 टेस्ट आपका सैटिस्फाइड होना चाहिए। 50-50 टेस्ट क्या होता है? टोटल एसेट्स का 50% फाइनेंशियल एसेट होना चाहिए, टोटल इनकम का 50% फाइनेंशियल एसेट से हुआ हुआ इनकम होना चाहिए। और फाइनेंशियल एसेट से इनकम तभी होगा जब आप फाइनेंशियल बिजनेस कर रहे होगे, अदरवाइज कैसे हो? चलिए, अच्छा ये जो नेट ओन्ड फंड्स 2 करोड़ का होना चाहिए, तो नेट ओन्ड फंड्स का कैलकुलेशन कैसे होता है वो बता दे रहा हूँ। नेट ओन्ड फंड्स निकालते समय इतनी सारी चीज़ें ऐड होंगी और इतनी सारी चीज़ें लेस होंगी। पहले बताओ ऐड क्या होगा? पेड अप इक्विटी कैपिटल, फ्रेजर्स शेयर प्रीमियम अकाउंट, मतलब सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट SPA, लिख दो ब्रैकेट में। उसके बाद कैपिटल रिजर्व। कैपिटल रिजर्व वो रिजर्व जो सेल प्रोसीड से आया हुआ है, जानते हैं कैपिटल एसेट्स को जो बेचते हैं, है ना, और उससे जो प्रॉफिट होता है वो बन जाता है कैपिटल रिजर्व। लेकिन अगर रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट से कोई रिजर्व बना है तो आप जानते हो ये फिक्टिशियस होता है। जानते हैं रीवैल्यूएशन रिजर्व फिक्टिशियस होता है। अच्छा रीवैल्यूएशन रिजर्व में कभी पैसा होता है ऐसा, सच बताओ तो? वो तो लोग सोचते हैं ना ऐसा कि आज ये बिल्डिंग हमारी है, हमने 10 लाख में खरीदा था, आज रीवैल्यू अगर करें तो ये 20 लाख का हो जाएगा। 10 लाख में खरीदे थे, आज कितने का हो जाएगा? 20 लाख का। पर पैसा तो नहीं आया, पैसा तो तब आएगा जब बेचोगे तुम।
तो रीवैल्यूएशन रिजर्व हमेशा नोशनल कॉन्सेप्ट होता है, बचपन में पढ़ा होगा तुम लोगों ने अकाउंट्स में। नोशनल का मतलब रियल होता नहीं है, ये नोशनल होता है, ये सच में कैश में ये रहता नहीं है, तो इसको मत जोड़ लीजिएगा आप। तो किसको नहीं जोड़ना है, इसको अलग करो, तो यहां से इसको कंसिडर नहीं करना है। रीवैल्यूएशन रिजर्व कहते हैं इसको, क्या कहते हैं, रीवैल्यूएशन रिजर्व, वो लिया नहीं जाएगा। तो चलो आंख मूंद के बोलो क्या क्या लिया जाएगा, पेड अप इक्विटी कैपिटल प्लस रिजर्व प्लस शेयर प्रीमियम अकाउंट प्लस कैपिटल रिजर्व, माइनस बोलो अब एक्यूमुलेटेड लॉस और बुक वैल्यू ऑफ इनटेंजिबल एसेट्स। इनटेंजिबल एसेट्स मतलब गुडविल, पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, ये सब भी देखा जाए तो फिक्टिशियस होते हैं, नहीं होता फिक्टिशियस, रियल थोड़ी होता है ये सब। चलिए जी, लेकिन और एक चीज माइनस होगा, देख लो यहां पे, आपने जो भी इन्वेस्टमेंट किया है अदर एनबीएफसी में, आप एक एनबीएफसी हैं और दूसरे एनबीएफसी के शेयर्स में पैसा लगाए हो, या अपने ग्रुप कंपनीज के शेयर डिबेंचर में पैसा लगाए हो, या अपने सब्सिडरीज में पैसा लगाए हो, तो वो पैसा अगर नेट ओन्ड फंड के 10% तक है तो काउंट होगा, लेकिन 10% से ज्यादा वाला जो अमाउंट है वो काउंट नहीं होगा। ये बात समझ में आया, मतलब ये जो इन्वेस्टमेंट है 10% तक अगर है तो ठीक है, लेकिन 10% से ज्यादा है तो फिर वो ज्यादा वाला अमाउंट जो है वो आपको क्या करना पड़ेगा, डिडक्ट करना पड़ेगा। एक तरीके का ये इंटर एनबीएफसी इन्वेस्टमेंट हो गया, नहीं हुआ ये, क्या हम इसको बोल सकते हैं इंटर एनबीएफसी इन्वेस्टमेंट, एक तो दूसरे एनबीएफसी में पैसा लगाया हुआ है या अपने सब्सिडरी में या अपने ग्रुप कंपनीज में पैसा लगाया हुआ है, तो ये पैसा नेट ओन्ड फंड के 10% तक अगर है तो चलता है, लेकिन 10% से अगर ज्यादा है तो कुछ ज्यादा ही इन्वेस्टमेंट हो गया, फिर उसको हम कंसीडर करते नहीं है, उल्टा उसको लाइबिलिटी समझ के क्या कर देते हैं, डिडक्ट कर देते हैं। तो कितनी चीजें ऐड होंगी, कितनी चीज डिडक्ट होंगी, चार चीजें ऐड होंगी, तीन चीजें डिडक्ट होंगी। तीन चीज कैसे, ये भी तो है तीसरा, ऐसे तीसरा कर दो, क्या ऊपर वाला, नहीं नहीं तो इसको माइनस थोड़ी करना है, इसको तो कंसीडर ही नहीं करना है ना, ये बड़ा अकाउंट्स में समझना होता है, अकाउंट्स में, टैक्स में, कि कौन चीजों का नो ट्रीटमेंट होगा और कौन चीजों का ट्रीटमेंट होगा। तो ये जो मैंने बोला रीवैल्यूएशन रिजर्व, इसका कोई ट्रीटमेंट ही नहीं है, मतलब इसको कंसीडर ही नहीं करना, उल्टा अगर कंसीडर किए हुआ है तब माइनस कर देना, लेकिन कंसीडर नहीं किए हुआ तो कोई ट्रीटमेंट नहीं। समझ में आया, तो ये तुम लोग बचपन में पढ़ते होगे अकाउंट्स में, नो ट्रीटमेंट, ट्रीटमेंट, मतलब पढ़े हुए सब। चलो आगे बढ़े, तो नेट ओन फंड्स ऐसे निकालते हैं, अब मजा आएगा, देखो क्या है ये। चलिए एप्लीकेशन लगाएंगे, एप्लीकेशन ऑनलाइन भी हो सकता है और ऑफलाइन भी हो सकता है। किसको लगाएंगे एप्लीकेशन, एनबीएफसी लाइसेंस के लिए, ठीक लगाओ, आरबीआई के रीजनल ऑफिस को, ठीक है। उसके साथ ये कुछ डॉक्यूमेंट्स जाएंगे, उसके साथ ये कुछ एप्लीकेशन के साथ अटैचमेंट है, ये लिखो नीचे अटैचमेंट, अटैचमेंट विद एप्लीकेशन लिखो, अटैचमेंट विद एप्लीकेशन, ये पूरा कितना है जरा बताओ तो, अटैचमेंट विद एप्लीकेशन बस 17 17 है। चलिए पढ़ते हैं, सबसे पहले तो अपने मैनेजमेंट के बारे में इन्फॉर्म, इसलिए मैंने इसको बाद में बोल्ड कर दिया, मुझे लगा कि बच्चा पढ़ेगा नहीं ऐसे में, तो बोल्ड बोल्ड देख के काम चला लेगा। पहले तो आप अपने मैनेजमेंट के बारे में बताइए सब कुछ, उसके बाद आप कंपनी है तो आपको क्या मिला होगा, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, तो उसके बारे में बताइए, है ना। उसके बाद अप टू डेट, बैठिए बैठिए भी आएंगे, अप टू डेट मेमोरेंडम और अप टू डेट आर्टिकल आपको देना है। उसके बाद पैन नंबर और सिन, है ना, सिन नंबर वही हो गया सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, सिन नंबर जानते हो ना, कॉर्पोरेट आइडेंटिटी नंबर। डायरेक्टर का प्रोफाइल बताइए, हर डायरेक्टर का अलग अलग। उसके बाद उस एनबीएफसी का नाम बताइए और उस एनबीएफसी से सर्टिफिकेट लेके आइए जहां पे आपके डायरेक्टर ने एनबीएफसी बिजनेस का क्या लिया है, एक्सपीरियंस, तो इसके आगे लिखो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, जल्दी लिखो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट लेना है। उसके बाद डायरेक्टर का क्या दीजिए, सिविल डेटा, सिविल डेटा समझते हैं आप, एक क्रेडिट रेटिंग है, जानते हैं ना, सिविल अच्छा होता तो लोन जल्दी मिल जाता है, सिविल खराब हो तो लोन नहीं मिलता है। बताइए आप एनबीएफसी के डायरेक्टर हैं, आपका खुद का सिविल अच्छा होना चाहिए, सिविल जनरली तब अच्छा माना जाता है जब 750 से ज्यादा हो, है ना, 750 से ज्यादा अगर सिविल होता है तो आपको लोन आसानी से मिल जाता है, और 750 से कम अगर होता है तो उतने अच्छे से लोन मिलता नहीं है। उसके बाद एक बोर्ड रेजोल्यूशन आपकी कंपनी में हुआ होगा
जो इस बात को अप्रूव किया होगा कि हाँ हाँ हम अब आरबीआई के पास जाएंगे और एनबीएफसी के लाइसेंस के लिए अप्लाई करेंगे, तो वो बोर्ड रेजोल्यूशन का कॉपी दीजिए। फिर एक और बोर्ड रेजोल्यूशन का कॉपी दीजिए कि आज तक हमने कोई भी पब्लिक डिपॉजिट एक्सेप्ट नहीं किया है और हमारे आज के डेट में कोई भी पब्लिक डिपॉजिट हमारे खाते में नहीं है जिनको रिटर्न करना बनता है। मतलब पब्लिक डिपॉजिट के बारे में आज के डेट में हम नीलबटा सन्नाटा हैं, हम पर पब्लिक डिपॉजिट का कोई लाइबिलिटी नहीं है। और हम ये भी बोलते हैं कि आने वाले समय में भी अगर हम पब्लिक डिपॉजिट लेंगे तो पहले आरबीआई का अप्रूवल लेंगे, बिना आरबीआई से रजिस्टर हुए हुए बिना अप्रूवल लिए हुए हम कोई भी पब्लिक डिपॉजिट नहीं लेंगे। इस बात इस तीन बात के ऊपर आपको एक बोर्ड रेजोल्यूशन पास करके उसकी एक कॉपी आपको यहां पर देनी है। उसके बाद एक बोर्ड रेजोल्यूशन कि आप कोई एनबीएफसी एक्टिविटी अभी आप नहीं कर रहे हो, या अगर कर रहे थे तो अब आपने उसको स्टॉप कर दिया है और आने वाले समय में अब तब तक आप एनबीएफसी एक्टिविटी नहीं करोगे जब तक कि आपको आरबीआई से क्या ना मिल जाए, अप्रूवल ना मिल जाए। उसके बाद बोर्ड रेजोल्यूशन की एक कॉपी इस बात पे कि आपने फेयर प्रैक्टिसेस कोड अपने कंपनी में फॉर्मुलेट किया है या नहीं। भाई आरबीआई का रिक्वायरमेंट होगा कि जो भी एनबीएफसी बनेंगे उनको अपने यहां क्या बनाना पड़ेगा, कोड, फेयर प्रैक्टिसेस कोड, तो वो आपने अपने यहां बनाया है या नहीं। अब कुछ ऑडिटर का सर्टिफिकेट चाहिए, ऑडिटर का सर्टिफिकेट इस बात पे चाहिए कि हाँ हाँ कंपनी ने कोई भी पब्लिक डिपॉजिट ना तो एक्सेप्ट किया है ना उसके पास अभी कोई पब्लिक डिपॉजिट है। फिर ऑडिटर का ही सर्टिफिकेट चाहिए कि कंपनी कोई एनबीएफसी एक्टिविटी नहीं कर रही है। फिर स्टैचूरी ऑडिटर का ही सर्टिफिकेट चाहिए कि नेट ओन फंड उसका 2 करोड़ का है। फिर ऑथराइज शेयर कैपिटल आपका कितना है, लेटेस्ट शेयर होल्डिंग पैटर्न दिखाइए, उसके बाद पिछले 3 साल का बैलेंस शीट प्रॉफिट लॉस अकाउंट दिखाइए ऑडिटर रिपोर्ट के साथ, डायरेक्टर्स रिपोर्ट के साथ, और बैंक स्टेटमेंट और इनकम टैक्स का रिटर्न सेल्फ अटेस्टेड दीजिए। समझ में आ गया। और ये जो ऑडिटर का सर्टिफिकेट था यही तो आईसीएसआई को थोड़ा समझना चाहिए, इन सब जगह पे ऑब्लिक ऑब्लिक करके पीसीएस लिखवाना चाहिए। सही कह रहा हूं ना, इस जिससे क्या होगा कि थोड़ा हम लोग को भी काम मिलेगा, है कि नहीं। आज बताइए एनबीएफसी का कोई लाइसेंस लेने जाएगा, चार्टर्ड अकाउंटेंट तो कमा लिया, चार्टर्ड अकाउंटेंट का 3-4 सर्टिफिकेट है, 1-2-3 सर्टिफिकेट है। अब 3 सर्टिफिकेट पर मान लीजिए 10-10 हज़ार रुपये भी लेगा तो 30 हज़ार तो कमा लिया, नहीं कमा लिया तो ये समझना चाहिए। अब देखो ये वाला है इस बात का सर्टिफिकेट है ना, उसके बाद ये इस बात का सर्टिफिकेट है ना, तो ये दोनों को जोड़ लो, ऐसे नहीं जुट पाएगा तुम्हारे बुक में, पेज अलग अलग है ना, जुड़ जाएगा तो जोड़ दो। ऐसे जो ऊपर रिक्वायरमेंट था उसी बात का तो सर्टिफिकेट मांगा है। बताइए एनबीएफसी के ऊपर चैप्टर हमारा है, एनबीएफसी पर इतना हम डिटेल में हम पढ़ते हैं, अब सर्टिफिकेट देगा है ऑडिटर, बताइए ये गलत बात है कि नहीं गलत बात है। तो आईसीएसआई को ना छोटे छोटे बात पे चुपके चुपके जाके यहाँ ऑब्लिक करके पीसीएस लिखवाना चाहिए। इनको क्या करना चाहिए, आरबीआई में घुसना चाहिए, आरबीआई में दोस्ती बढ़ाना चाहिए और आरबीआई किसी ऑफिसर को कह के और ये करवा लेना चाहिए कि स्टैचुरी ऑडिटर ऑब्लिक पीसीएस, किसी को पता भी नहीं चलेगा, हल्ला करने से क्या फायदा है कि नहीं। तो ऐसे काम कीजिए जैसे किसी को पता ना चले। चलिए अब एनबीएफसी लाइसेंस तो हो गया खत्म, अब कौन सा लाइसेंस लेने जा रहे हैं, बैंकिंग लाइसेंस। बैंकिंग लाइसेंस आप याद रखिएगा, भारत में अगर आपको बैंकिंग बिजनेस करना है तो बिना आरबीआई के बैंकिंग लाइसेंस के आप भारत में बैंकिंग बिजनेस कर नहीं सकते। बाकी आरबीआई आपको बैंकिंग लाइसेंस तब देगा जब उसके कंडीशंस को आप सेटिस्फाई करोगे, और कंडीशंस क्या क्या हैं सो देख लो। पहला कंडीशन ये है कि आरबीआई इस बात को लेके पहले सेटिस्फाइड होना चाहिए कि आप अभी या आने वाले समय में इस पोजीशन में होंगे कि आप आराम से अपने डिपॉजिटर का पैसा वापस कर जाएंगे, प्रेजेंट में तो प्रेजेंट डिपॉजिटर, फ्यूचर में तो फ्यूचर डिपॉजिटर, मतलब आप डिफॉल्ट नहीं करोगे, आप काफी सॉल्वेंट हो, आप काफी क्या हो, सॉल्वेंट, सॉल्वेंट समझते ना, पैसे वैसे के मामले में ठीक हो। दूसरा, आपके कंपनी का जो अफेयर्स है वो इस तरीके से नहीं चलाया गया है जिससे कि डिपॉजिटर का के हितों पे गलत असर पड़े, मतलब इसका मतलब आप अच्छी कंपनी है, आपके अफेयर्स अच्छे से मैनेज हो रहे हैं, आप अपने डिपॉजिटर के हितों के खिलाफ वाले लोग नहीं हैं। अगला, प्रपोज्ड मैनेजमेंट जो है, जो बैंक बनने के बाद जो इसमें मैनेजमेंट आएंगे उनका जनरल करेक्टर चेक होगा, और ऐसा देख के लगा कि नहीं पब्लिक इंटरेस्ट में ये बुरे नहीं है, पब्लिक इंटरेस्ट में उल्टा अच्छे ही हैं, पब्लिक के हित में ही है, पब्लिक के हित के खिलाफ
नहीं है। लेकिन प्रपोज मैनेजमेंट में अगर तुम दिखा रहे हो विजय माल्या का नाम, तो फिर हो सकता है ये पब्लिक हित में नहीं, बैंक खोलेगा और खुद ही पैसा लेकर भाग जाएगा। अगला, आपके पास एडिक्वेट क्या होना चाहिए, कैपिटल स्ट्रक्चर और अर्निंग प्रॉस्पेक्ट्स होने चाहिए। मतलब बैंक ऐसा खुले, आपने देखो दो चार बैंक नया नया खुला है, बंधन बैंक, उसके बाद IDFC बैंक है ना, ये खुला ना, IDFC फर्स्ट बैंक उसका नाम हो गया, IDFC फर्स्ट बैंक, बंधन बैंक, दो चार बैंक तो खुले हैं नए नए। और कौन बैंक है, देना बैंक तो बहुत पुराना है, लेना बैंक खुल सकता है आने वाले समय में, देना बैंक, लेना बैंक, यस बैंक, नो बैंक, यस बैंक को लेकिन बचा लिया गया नहीं। चलिए, तो देखा IBC लॉ आने से कितना फायदा हुआ बताइए, एक कंपनी जो बंद होने होने पर थी, मरने मरने पर थी, उसको जिंदा कर लिया गया। चलिए अगला, अगर RBI को ऐसा लगता है कि अगर हमने इसको लाइसेंस दिया तो इससे पब्लिक इंटरेस्ट सर्व होगा, मतलब पब्लिक हितों का अच्छा ही होगा, बुरा नहीं होगा। एक चीज और ये चेक करता है कि जो प्रपोज्ड आपका प्रिंसिपल एरिया, मतलब जहां पर तुम बिजनेस करोगे, उस एरिया में पहले से कोई बैंक चल रहा है क्या, और जो पहले से बैंक चल रहा है उस बैंक की क्या हालत है। जैसे मालूम चला, जैसे एरिया वाइज भी होता है, जैसे देख लो पंजाब नेशनल बैंक, ये नॉर्थ इंडिया में दिखेगा आपको, साउथ इंडिया में नहीं दिखेगा, और कर्नाटका बैंक साउथ इंडिया में दिखेगा हर तरफ, नॉर्थ इंडिया में नहीं दिखेगा। नॉर्थ इंडिया में बहुत कम मिलेगा आपको कर्नाटका बैंक, देखा है, एक तो लक्ष्मी नगर में तो है ही, लेकिन कर्नाटका बैंक आपको हर जगह नहीं मिलेगा नॉर्थ इंडिया में, लेकिन यहाँ पंजाब नेशनल बैंक हर जगह मिलेगा, है ना। ऐसे ही एक तो कौन तो बैंक था, बंद भी हो गया, विजया बैंक, विजया बैंक का नाम सुने हो, विजया बैंक आपका उधर खूब चलता था, महाराष्ट्र मुंबई में खूब चलता था, एकदम टॉप पे था, इधर नहीं चलता था। तो ये देखना पड़ता है, जैसे मालूम चला मैं नॉर्थ में खोलना चाह रहा हूँ बैंक, तो सरकार ने देखा नॉर्थ में ऑलरेडी इतने बैंक हैं, उनको तो कस्टमर मिल नहीं रहा, डेली मारपीट करता रहता सब बैंक आपस में, ऊपर से एक बैंक और खोल दूं, तो फिर वो नहीं देगा लाइसेंस। क्या नहीं देगा लाइसेंस, नहीं देगा, कहेगा नहीं भाई ऑलरेडी बहुत बैंक हैं, उनको कस्टमर नहीं मिलने, बीच में तुम घुस के तुम तो लॉस ही करोगे। तो ये भी एक मैटर चेक होता है। उसके बाद एनी अदर कंडीशन जो उसको सही लगे, तो ये सारे कंडीशन वो चेक करेगा, चेक करने के बाद ही वो आपको लाइसेंस देगा। अच्छा, एक बार जो लाइसेंस दे दिया जिंदगी भर चलता रहेगा या वो कैंसिल भी हो सकता है, कब कैंसिल होगा जल्दी बताओ, तो जब मालूम चला वो कंपनी ने बिजनेस करना कर दिया बंद, या उसने जो रजिस्ट्रेशन के टाइम पर टर्म्स एंड कंडीशन थे उसको उसने माना नहीं, तो एज ए पेनल्टी उसका रजिस्ट्रेशन लाइसेंस क्या किया जा सकता है, कैंसिल किया जा सकता है। बाकी अपील, अगर मालूम चला आपने RBI को एप्लीकेशन लगाया और RBI ने आपकी एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर दिया, और आपको ऐसा लग रहा है कि RBI ने गलत तरीके से रिजेक्ट किया है, तो आप सेंट्रल गवर्नमेंट के पास अपील कर सकते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट का मतलब मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, एकदम सही जवाब। अब RBI सब किसके हाथ में आता है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, फाइनेंस मिनिस्ट्री के पास कितने दिन के अंदर अपील कर सकते हैं, 30 दिन में अपील कर सकते हैं। और याद रखिएगा, अगर कोई फर्दर अपील नहीं हुआ तो सेंट्रल गवर्नमेंट जो डिसीजन देगा वो फाइनल होगा, लेकिन फर्दर अपील हो गया तो, जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट के खिलाफ कोर्ट में अपील हो गया तो बात अलग है, लेकिन अगर मान लीजिए सेंट्रल गवर्नमेंट के खिलाफ कोई अपील अपील नहीं होता, फर्दर अपील नहीं होता है, तो उस केस में बोलो वो उनका डिसीजन होगा फाइनल। तो ये फर्दर वर्ड शायद तुम्हारे में नहीं लिखा होगा, उसको लिख लो, थोड़ा ठीक करो, लैंग्वेज ठीक करो, थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक है इसमें, अभी तो कुछ हुआ ही नहीं, अभी तो 5% हुआ बस, मतलब दोनों चैप्टर को मिला लूं तो। चलिए आगे बढ़े, NBFC पे बहुत ज्यादा नहीं है, एक चैप्टर भी है, ऊपर से यहां पे भी है। चलिए अगला, अब कौन है, IRDA, इसका फुल फॉर्म लिख दिया मैंने, इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी। आप जानते हैं भारत के अंदर जो इंश्योरेंस सेक्टर है वो कौन देखता है, IRDA। इंश्योरेंस को हिंदी में क्या बोलते हैं, बीमा, है ना, ठीक है, अगर आपने बीमा कराया हुआ है तो आप बीमार नहीं होंगे, बीमा में आर नहीं लगेगा, आपका पहले इलाज हो जाएगा ना। कितने लोगों ने बीमा कराया हुआ, मतलब इंश्योरेंस कराया हुआ है अपने नाम से, माता पिता ने कराया वो अलग बात है, आपने अपने नाम से, एक, बाकी लोगों ने नहीं कराया, इंश्योरेंस करता है, अकाउंट भी खुलवाओगे तो भी इंश्योरेंस करने लगा है, तो ये तो टाइप से ले तो गलत है, आप अगर उसको बोलते तो फिर नहीं करता वो, ऑप्शनल होगा, जबरदस्ती करते हैं आजकल, ये भी करते हैं, अकाउंट खुलवाने जाओगे तो डीमैट अकाउंट भी खोल देगा जबरदस्ती।
नहीं गाड़ी के साथ तो हेलमेट देना ही चाहिए। हाँ नहीं किसी के पास पहले से है तो नहीं उसको देना चाहिए। बात तो सही है। खैर आईआरडीए, आईआरडीए किसका रेगुलेटर है? इंश्योरेंस सेक्टर का। तो लिखो रेगुलेटर, लिखो यहां पर रेगुलेटर ऑफ इंश्योरेंस सेक्टर। चलिए बताओ आईआरडीए का क्या फंक्शन एंड ड्यूटीज है? सब मैं ही बोलता रहूंगा कि तुम लोग भी कुछ कुछ बोलोगे। जितने भी इंश्योरेंस कंपनी है जरा बताओ दोस्तों क्या करना? रजिस्टर करना और रेगुलेट करना। जो पॉलिसी होल्डर्स हैं आप जानते हैं ना इंश्योरेंस में हम लोग क्या होते हैं, कस्टमर को क्या कहते हैं? पॉलिसी होल्डर। उसको क्या करना? उसके हितों की रक्षा करना। जो इंश्योरेंस इंटरमीडियरीज हैं उनका लाइसेंस देना। जैसे आप बच्चा जो बोथ मॉड्यूल पढ़ता है मॉड्यूल सेकेंड में, कैपिटल मार्केट से जुड़े हुए इंटरमीडियरी को कौन रेगुलेट करता है? सेबी। तो ऐसे ही जो इंश्योरेंस सेक्टर के इंटरमीडियरी हैं उसको भी कौन रेगुलेट करेगा? आईआरडीए। उसके बाद इंश्योरेंस सेक्टर में प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन हो उसको प्रमोट करेगा। उसके बाद जो भी टर्म्स एंड कंडीशंस हैं लाइफ इंश्योरेंस या नॉन लाइफ इंश्योरेंस के, जैसे क्या प्रीमियम रेट होगा, इस सबको भी वो क्या करेगा? रेगुलेट करेगा। फाइनेंशियल रिपोर्टिंग नॉर्म्स, मतलब जो जो इंश्योरेंस कंपनी सब होंगी वो आईआरडीए को कौन कौन सा डॉक्यूमेंट फाइल करेंगी। इन्वेस्टमेंट ऑफ पॉलिसी होल्डर फंड, मतलब पॉलिसी होल्डर का जो पैसा उनके पास मिलता है वो आगे इन्वेस्ट करते हैं, तो कहाँ इन्वेस्ट करेंगे? गलत जगह पे इन्वेस्ट ना कर दें, पैसा बर्बाद ना कर दें। सॉल्वेंसी मार्जिन, मतलब पूरा ही पैसा इन्वेस्ट ना कर दो, कुछ पैसा अपने पास भी रखो जिससे कि तुम सॉल्वेंट रहो। और उसके बाद ये भी इंश्योर करना कि इंश्योरेंस कवरेज कहाँ हो, रूरल एरिया में भी हो और वनरेबल सेक्शन ऑफ सोसाइटी, गरीब गरीब को भी मिले। आजकल देख रहे होगे सरकार बहुत तरह का इंश्योरेंस लाती है, 1 रुपए का इंश्योरेंस, 2 रुपए का इंश्योरेंस, सुना है? बताओ तो कौन सा, कौन कौन सा इंश्योरेंस का नाम है सरकार का? एक तो आयुष्मान भारत योजना है शायद, उसमें इंश्योरेंस होता है कि नहीं पता नहीं मुझे। सरकार का बहुत बड़ा बड़ा इंश्योरेंस का है कि शायद 30 रुपया, 1 रुपया डेली दीजिए तो महीने का 30 रुपया, 30 रुपये में शायद 1 करोड़ का इंश्योरेंस, ऐसे करके कुछ है। कन्यादान वाला, तुम कन्यादान पे ही कंसंट्रेट, 2-3 दिन से इसका मामला ना बिगड़ा हुआ है। बताओ मैं इंश्योरेंस का बात कर रहा हूँ, ये कन्यादान योजना को बता रहा है। इसका जल्दी से शादी करवाना पड़ेगा, नहीं है ना? चलिए आप बताइए तो गरीब गरीबों के लिए भी इंश्योरेंस सरकार तो लाती है इंश्योरेंस। और अच्छा सबसे अच्छा इंश्योरेंस तो तुम्हें कहाँ दिखेगा मालूम है? रेलवे टिकट बुक की हो कभी? 49 पैसे में, 49 पैसे का इंश्योरेंस है। मतलब अगर ट्रेन का एक्सीडेंट हो गया, कुछ हो गया तो आपको पैसा मिलेगा, और 49 पैसे का मात्र है। लेकिन आप बोलोगे सर 49 पैसे में देता कैसे, जो एक्सीडेंट होते नहीं है? तो 49 है, 49 पैसे अगर वो डेली ले रहा है, और बताइए डेली भारतीय रेल में कितने लोग सफर करते होंगे? पूरे देश में लगभग करोड़ लोग तो करते ही होंगे, तो करोड़ इंटू 49 पैसे बताओ कितना हुआ? 50 लाख, 50 लाख एक दिन में, तो 30 दिन में कितना? 15 करोड़। एक्चुअली वो डे 1 करोड़ जो मैंने बोला उससे ज्यादा ही लोग सफर करते हैं। एक ट्रेन में 1200-1500 लोग होते हैं। एक एक 3 AC का जो बोगी होता है उसमें 72 सीट्स होते हैं, और ऐसे ऐसे 15-20 होते हैं। तो आप कहाँ समझ रहे हो, 1500 आदमी तो एक ट्रेन में होता है, और हजारों ट्रेन चलती हैं, और पैसेंजर ट्रेन को देख लो तो ऊपर ही बैठा रहता है। अच्छा वो टिकट ही नहीं लेते? अच्छा, वो तो चलिए अच्छा। हाँ ये आईआरडीए कौन कौन सा लाइसेंस देता है? इंश्योरेंस बिजनेस करोगे तो लाइसेंस लेना पड़ेगा, इंश्योरेंस प्रोडक्ट लॉन्च करोगे तो भी क्या लेना पड़ेगा? लाइसेंस। तुमने देखा होगा जब भी LIC का एडवर्टीजमेंट देखते होगे मेट्रो स्टेशन पे, जीवन आनंद योजना, जीवन ये योजना, उसमें ना नीचे लिखा रहता है IRDA रजिस्ट्रेशन नंबर दिस। तो कंपनी का भी रजिस्ट्रेशन होगा और प्रोडक्ट का भी क्या होगा? रजिस्ट्रेशन होगा। उसके बाद इंश्योरेंस इंटरमीडियरीज हैं तो उनका भी रजिस्ट्रेशन होगा। इंश्योरेंस प्रीमियम कहाँ कहाँ इन्वेस्ट करना है उसके लिए भी आपको परमिशन लेना पड़ेगा। अकाउंटिंग एंड ऑडिट और इंश्योरेंस एक्ट के अंदर और भी जो कुछ प्रोविजंस हैं, इन सब जगह IRDA का क्या परमिशन लेना पड़ेगा। हेडिंग बोलो, इंश्योरेंस बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? IRDA से क्या लेना पड़ेगा? लाइसेंस। लाइसेंस के लिए सबसे पहले एप्लीकेशन लगाइए कौन से फॉर्म में? IRDA/R1। R1 मतलब रजिस्ट्रेशन 1। तुम देखो तुम्हारे बुक में कुछ अलग लिखा हुआ है क्या? R1 ही है, ठीक है R1। ठीक है R1 के साथ क्या क्या अटैच होगा जल्दी बताओ? मेमोरेंडम एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन,
उसके बाद डायरेक्टर्स का नेम एड्रेस एंड ऑक्यूपेशन, कौन सा इंश्योरेंस बिजनेस करोगे, लाइफ इंश्योरेंस करोगे नॉन लाइफ करोगे वो बताना पड़ेगा, क्लास ऑफ इंश्योरेंस, और उसके बाद कहाँ से पैसा आएगा तुम्हें इंश्योरेंस बिजनेस के लिए, ये चार चीज बताना पड़ेगा। IRDA तुम्हारा R1, मैं R1 शॉर्ट फॉर्म में बोल दे रहा हूँ, ठीक है, IRDA मैं बार बार नहीं बोल रहा हूँ, R1 अप्लीकेशन को चेक करेगा, वेरीफाई करेगा, वेरीफाई करने के बाद अगर वो सैटिस्फाइड है तो ठीक है, नहीं सैटिस्फाइड है तो कुछ एडिशनल डॉक्यूमेंट मांगेगा, एडिशनल डॉक्यूमेंट चेक किया उसके बाद फिर वो R2 में आपको और भी अप्लीकेशन मतलब और भी एडिशनल आपसे क्या मांगेगा, डॉक्यूमेंट मांगेगा। अब बताओ कौन कौन सा डॉक्यूमेंट अब आपको देना पड़ेगा R2 में, ये R2 है, R2 में कितने समय लगे, 5 बोलो, तो पहले R1 क्लियर होगा उसके बाद क्या आएगा R2, R2 में आपको क्या क्या देना है सुनिए, सबसे पहले फीस देना पड़ेगा, फीस कितना देखो, तो अगर LIC वाला सॉरी लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस है तो टोटल ग्रॉस प्रीमियम जो इंडिया में आपको रिसीव हुआ उसका कितना परसेंट, 1%, और 1% अगर 10 करोड़ से ज्यादा हो गया है तो 10 करोड़ ही, तो 10 करोड़ तक, उससे ज्यादा नहीं, लेकिन जनरल इंश्योरेंस बिजनेस कर रहे हो तो 1% नहीं कितना, 3%, लेकिन अमाउंट वाइज तो सेम ही है, 10 करोड़ तक ही, 10 करोड़ से ज्यादा नहीं, इतना पैसा जमा करना पड़ेगा। री इंश्योरेंस बिजनेस करना चाहते हो तो यहां पे परसेंटेज नहीं है, फिक्स्ड है, कितना पैसा लेगा तुमसे, 20 करोड़ रुपया, बाप रे, तो फीस है, समझ गए। अगला, लेकिन अगर मैरीन इंश्योरेंस करना चाहते, मरीन समझते हो, मरीन इंश्योरेंस क्या होता है, समुद्र मुद्र से जुड़ा हुआ, तो 1 ही लाख है बस, कितना है 1 लाख, और एक RBI से आपको एक सर्टिफिकेट लेके आना पड़ेगा कि ये सारा पैसा आपने जमा किया है या नहीं, तो पैसा जमा करने का रसीद लेके आइए, किससे, RBI से, तो ये इतना पैसा आपको जमा करना पड़ेगा। उसके बाद जो प्रोस्पेक्टस, ये थोड़ा देख लेना स्पेलिंग मिस्टेक है तुम्हारे में, है ना, जो प्रोस्पेक्टस जो तुमने पब्लिश किया है या जो स्टैंडर्ड पॉलिसी फॉर्म किसके लिए, इंश्योरर सबके लिए, वो सब आपको अटैच करके देना पड़ेगा। एक्चुअली समझते हैं आप, जो कैलकुलेशन का बिजनेस करते हैं, कैलकुलेशन का मतलब ये प्रोफेशनल होते हैं जो बड़े बड़े कैलकुलेशन करते हैं, मान लीजिए चार्टर्ड अकाउंटेंट कितना भी बड़ा हो गया तो उसको कहोगे कि 5 लाख करोड़ इंटू 2 रुपया 2.5 रुपया 1 रुपया नहीं कर पाएगा वो। ये एक्चुअरी जो होता है ना, एक्चुअरी एक प्रोफेशनल है, उनके पास टेक्निक होता है बड़े बड़े कैलकुलेशंस करने का। आप जरा सोचो कि पूरे भारत का, भारत देश का कुछ निकालोगे तो वो तो अरबों खरबों में होगा, अब अरबों खरबों का परसेंटेज निकालना, अरबों खरबों में प्लस माइनस ये सब करना, ये आसान काम तो नहीं है, इसके लिए चाहिए टेक्निक। क्या चाहिए, टेक्निक, तो एक साइंस होता है उसको बोलते हैं एक्चुअल साइंस। क्या बोलते हैं, एक्चुअल साइंस, वो एक पढ़ाई है, तो वो लोग इसी चीज का पढ़ाई करते हैं, बड़ा बड़ा गुना भाग वो आराम से कर लेते हैं, उनका टेक्निक होता है, एक पढ़ाई है। तो एक्चुअली से आपको क्या करना पड़ेगा, एग्जैक्टली एक सर्टिफिकेट लेके आना पड़ेगा कि जो तुमने बिजनेस मॉडल सोचा है कि पॉलिसी होल्डर से इतना पैसा लेंगे, इतना पैसा को यहाँ यूज करेंगे, अगर मालूम चला पॉलिसी मैच्योर हो गया तो वापस करना है तो वापस कैसे करेंगे, कहाँ से कमाई होगा, किस परसेंटेज पे, कितने परसेंटेज पे, ये बहुत बड़ा कैलकुलेशन है। आप कोई भी बिजनेस खोलते हो तो उसमें क्या प्रॉफिट नुकसान का बात है, वो तो बड़ा लंबा चौड़ा कैलकुलेशन होता है, तो वो कैलकुलेशन का एक सर्टिफिकेट देना पड़ेगा जिसको पहले IRDA चेक करेगा और उसको लगेगा कि हाँ ये वर्क कर सकता है, ये जो इन्होंने अपना बिजनेस मॉडल बनाया है ये वर्क कर सकता है। अगर वर्क कर सकता है तब तो वो लाइसेंस देगा, अदरवाइज वो लाइसेंस नहीं देगा। अगर आपके यहाँ कोई फॉरेन पार्टनर है तो उसके साथ आपने MOU किया होगा, आजकल इंश्योरेंस बिजनेस में ज्यादातर फॉरेन पार्टनर होता है, देख लो तुम इंश्योरेंस बिजनेस का नाम लो, LIC GIC को छोड़ देना बस, क्योंकि वो तो सरकारी है, उसको तो किसी पार्टनर की जरूरत ही नहीं है। प्राइवेट वाले में तुम देख लो सबके साथ फॉरेन पार्टनर है, बिरला सन लाइफ, बिरला यहाँ से, सन लाइफ बाहर से, ICICI प्रूडेंशियल, ICICI यहाँ से, प्रूडेंशियल बाहर से, और बोलो HDFC अर्गो, HDFC यहाँ से, अर्गो वहाँ से, और बोलो क्या तुम इंश्योरेंस कंपनी का नाम भी नहीं जानते हो क्या, और बोलो बजाज हो गया, और बोलो कौन कौन गया, रिलायंस तो मैं देखता हूँ अकेले ही करता है रिलायंस, इफको टोक्यो, इफको यहाँ से, टोक्यो बाहर से, कौन मुथूट इंश्योरेंस बिजनेस करता है कि नहीं मुझे पता नहीं है, और बजाज फिनसर्व, बजाज तो बहुत बार खुद भी कर लेता है, और बताओ बिरला सनलाइफ बता ही दिया, बिरला यहाँ से, सनलाइफ वहाँ से, तो ज्यादातर तुम देखोगे वो लोग बाहर से ही है, तो फॉरेन पार्टनर है तो आपको क्या देना पड़ेगा, एक MOU,
और एनी अदर डॉक्यूमेंट जो वो मांगेंगे, ये सारे डॉक्यूमेंट जमा कीजिए। अगर उनको लगता है कि सब कुछ ठीक है तो वो आपको क्या दे देंगे, सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन दे देंगे। चलिए, एक अमेंडमेंट आया 2016 में, और अमेंडमेंट का नाम बोलो। इसके बाद दो अमेंडमेंट हुए। पहला अमेंडमेंट ये हुआ कि अब जो आईआरडीए के खिलाफ अपील करना चाहते हैं आप, तो सेंट्रल गवर्नमेंट के अलावा आप सैट में भी अपील कर सकते हैं। सैट जानते हैं ना कौन है, सेबी के खिलाफ अपील सुनता है ये, तो सेबी के खिलाफ भी अपील सुनेगा। अब ये आईआरडीए के खिलाफ भी अपील सुनेगा कौन, सैट। बाकी अब जो भी कंपनी, कंपनी का मतलब अगर इंडियन इंश्योरेंस कंपनी, टिक लगाओ, अगर आप इंडियन इंश्योरेंस कंपनी हैं तो इंश्योरेंस एक्ट के अंदर एक पॉलिसी है जिसका क्या नाम है, इंडिया ओन्ड एंड कंट्रोल्ड पॉलिसी, उसको अब आपको मानना पड़ेगा। चलिए हेडिंग बोलो। अगर मान लीजिए आईआरडीए ने रिफ्यूज कर दिया कि नहीं देंगे तुमको हम रजिस्ट्रेशन, तो अगर वो रिफ्यूज करेंगे तो वो आपको बताएंगे कि उन्होंने क्यों रिफ्यूज किया है। और अब बस वही बात है, 30 दिन के अंदर अगर आपको लगता है कि रिफ्यूज गलत तरीके से हुआ है तो आप सेंट्रल गवर्नमेंट या सैट, ऑब्लिक करके सैट लिखना, तुम्हारे बुक में सैट नहीं होगा, सैट में भी अब आप अपील कर सकते हैं। किसके खिलाफ, आईआरडीए के खिलाफ। आई हेडिंग बोलो, सस्पेंशन ऑफ रजिस्ट्रेशन, है ना। आप बताइए क्या आईआरडीए आपके रजिस्ट्रेशन को कैंसिल, अभी नहीं बोल रहा, अभी मैं बोल रहा हूं सस्पेंड, क्या सस्पेंड कर सकता कुछ दिनों के लिए? यस, कब कब कर सकता है? मालूम चला आप बिजनेस कुछ इस तरीके से चला रहे हैं जिससे लग रहा है पॉलिसी होल्डर्स के हितों की रक्षा होगी नहीं, आपसे कोई इंफॉर्मेशन मांगा गया तुमने वो इंफॉर्मेशन नहीं दिया, आपसे पीरियोडिकल रिटर्न्स मांगा गया आपने वो रिटर्न फाइल नहीं किया, आपकी इंक्वायरी हो रही थी आपने इंक्वायरी में ठीक से कॉपरेट नहीं किया, और मालूम चला इंश्योरेंस बिजनेस को आप मैनिपुलेट करते हुए नजर आए हो। थोड़ा साथ साथ तुम लोग भी बोल लिया करो, पढ़ना तो तुम्ही लोग को है, पास तो तुम्हें करना है। कैंसिल कब कब हो सकता है, याद रखिएगा, आपको डिपॉजिट से जुड़े हुए किसी भी मामलों में अगर आपने डिफॉल्ट किया तो आपका सीधा सस्पेंशन नहीं, कैंसिलेशन हो जाएगा, आपने लॉ के प्रोविजंस को माना नहीं। मालूम चला अब वो कंपनी लिक्विडेशन में जा चुकी है या इंसॉल्वेंट हो चुकी है, या आपका बिजनेस आपने किसी दूसरे कंपनी को बेच दिया, या आपका अमलगमेशन हो गया, तो जो कंपनी का अमलगमेशन होता है वो मर जाती है, तो उसका वो क्या हो जाएगा, सर्टिफिकेट कैंसिल हो जाएगा। मालूम चला लगातार 6 महीने से सस्पेंडेड हो, तो 6 महीने से सस्पेंडेड हो तो इसका मतलब तुम कुछ ज़्यादा ही गलती किए हुए हो, तो अब सीधा कैंसिल, और फिर सेंट्रल गवर्नमेंट को जब लगे वो तुम्हें क्या कर सकता है, आपको कैंसिल कर सकता है। नंबर थर्ड कौन है, ट्राई, TRAI, फुल फॉर्म बताओ, ये नीचे है, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ट्राई जानते हैं किसका रेगुलेटर है, टेलकॉम बिजनेस का, भारत में जितने भी टेलकॉम बिजनेस है ना उसका रेगुलेटर कौन है, ट्राई, TRAI, तो लिख दो कहीं पर, रेगुलेटर ऑफ टेलकॉम बिजनेस, लिखा हुआ है, कहां लिखा हुआ है, हाँ ये लिखा हुआ, टेलकॉम मार्केट एंड बिजनेस, टेलकॉम मार्केट एंड बिजनेस, बस अब तो खत्म ही है, ज्यादा कहाँ है, बस उसके बाद एक चैप्टर और भी है ना, ब्रेक तो मिलेगा ही, चलो जल्दी बताओ, ट्राई है ना, चलिए जी, तो ट्राई, अच्छा यहां भी लिखा हुआ है, ट्राई बेसिकली दो चीजों को देखता है, किसको, टेलकॉम एंड ब्रॉडकास्टिंग सेक्टर को देखता है। चलिए सबसे पहले ट्राई का ऑब्जेक्टिव है कि जो भी टेलकॉम सेक्टर में लोग आए वो उनको एक लेवल प्लेइंग फील्ड मिले, ट्रांसपेरेंट पॉलिसी हो, बढ़िया इन्वायरमेंट हो जिससे कि टेलकॉम बिजनेस आगे बढ़े। ट्राई का क्या क्या स्कोप एंड फंक्शन है, सबसे पहले कोई अगर न्यू टेलकॉम सर्विस प्रोवाइडर आता है तो उसके लिए बताना क्या क्या कंडीशंस हैं और उसको लाइसेंस देना, उसके बाद ये चेक करते रहना कि जो भी टेलकॉम कंपनीज हैं या ब्रॉडकास्टर्स हैं वो सर्विस कैसा दे रहे हैं, ब्रॉडकास्टर का मतलब जो चैनल्स होते हैं, है ना। अब उसमें एक चीज को और भी ये डील करता है कि किसी भी चैनल पे एडवर्टीजमेंट कितना चलेगा वो भी ये तय करता है ना, चाहे वो पे चैनल हो चाहे वो फ्री वाला चैनल हो। जानते हैं दो तरह के चैनल होते हैं, एक होता है फ्री टू एयर, फ्री टू एयर का मतलब उसके लिए आपको कुछ पैसा देने की जरूरत नहीं है, एक होता है पे चैनल, जैसे सोनी, स्टार, ये सब पे चैनल है, कलर्स, ये सब क्या है, पे चैनल है, जैसे दूरदर्शन फ्री टू एयर है, एंड दूरदर्शन भी फ्री टू एयर है, और भी बहुत सारे चैनल फ्री टू एयर है,
है ना। चलिए अब देखिए और ट्राई, ये भी देखता है कि टेलकम के अंदर या केबल, केबल समझते हो क्या होता है, केबल, केबल का लाइन नहीं आता घर में जिससे हम हमारा वो चलता है टीवी चैनल सब, उसका टैरिफ, टैरिफ का मतलब उसका रेट क्या होना चाहिए। उसके बाद ट्राई का ये भी काम है कि जो सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, अथॉरिटी है, कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन हैं, उनका आपस में क्या होता रहे, इंटरेक्शन होता रहे। अब सुनो एक नई चीज सुनोगे तुम, टेलकम तो सब जानता है, अब एक वर्ड है ओएसपी, ओएसपी का फुल फॉर्म बताओ, अदर सर्विस प्रोवाइडर, नीचे लिखा हुआ तुम ऊपर ही लिख लो, टेलकम के साथ अदर सर्विस क्या होगा बताओ तुम। आजकल जब शुरू में फोन आया था ना, शुरू में तो शुरू में फोन का मतलब सिर्फ फोन होता था, फोन आया गया बस बात खत्म, फिर उसमें जोड़ा ये लोग एसएमएस, ठीक है, फिर उसके साथ ये लोग टेली बिजनेस करने लगा, टेली बिजनेस का मतलब फोन से ही इंश्योरेंस हो जाता है, नहीं हो जाता है, फोन से इंश्योरेंस हो जाता है, फोन से एजुकेशन होना स्टार्ट हुआ, फोन से ट्रेडिंग होना स्टार्ट हुआ, फोन से खरीद बिक्री होना स्टार्ट हुआ, नहीं हुआ स्टार्ट ये सब, है ना, अब इंटरनेट से हो रहा है, लेकिन बीच में तो फोन से सब कुछ हो रहा था, फोन करते थे वो सामान घर पे आ जाता था, तो ये सब टेलकम के अलावा क्या माना जाता है, अदर सर्विस। तो याद रखिए अदर सर्विस अगर आप देना चाहोगे तो उसका रजिस्ट्रेशन अलग से होता है, उसका रजिस्ट्रेशन क्या होता है अलग से। बताओ तो पहले ओएसपी में क्या क्या चीज आएंगी बोलो, टेली बैंकिंग, टेली मेडिसिन, टेली एजुकेशन, टेली, तुम्हारे स्पेलिंग ठीक नहीं होगा तुम्हारे बुक में, टेल टेल लिखा होगा, लिखा ना, टेली टेली कर दो। ई कॉमर्स, कॉल सेंटर, बताओ कॉल सेंटर तो पूरा बिजनेस ही किसके ऊपर है, टेली के ऊपर, है ना, ठीक है, मतलब कोई भी जिसमें आईटी का यूज हो रहा हो, किसका यूज हो रहा हो, आईटी का यूज हो रहा हो, उसको क्या बोलते हैं हम, अदर सर्विस प्रोवाइडर। जैसे आजकल तो मुझे लग रहा है, देखना तुम आने वाले 10-20 साल में चैनल वैनल बंद हो जाएगा, ये चलने लगेगा, ये जो तुम्हारा चलता है ओटीटी, क्या होता है ओटीटी, ओटीटी में जैसे क्या क्या बताओ, जैसे नेटफ्लिक्स और एमेजॉन प्राइम और सोनी लिव और हॉटस्टार और वूट और अल्ट बालाजी, क्या हुआ वो भी अच्छा ही ना, उसके बाद G5 और भी बहुत सारे हैं, इतना ही है बस, तुम लोग के पास है सबका, इस सबका सबसे अच्छा कौन है, हॉटस्टार, चार दाम बढ़ा दिया साथ, पहले 399 था, अब साथ 499 है, 499 पूरे साल भर का ना, वो धीरे धीरे बढ़ाते बढ़ाते देखना पहुंचा था, और सबसे महंगा नेटफ्लिक्स है, ये भी है, और ये टीवी पर नहीं चला सकते, नहीं नहीं मैं तो 499 वाला लिया, और दूसरे मैं अपना कुछ नहीं खरीदता हूं, दूसरे से लेता हूं पासवर्ड, अच्छा ज्यादातर लोग यही करते हैं, या तो अभी नया रूल आया होगा, नहीं उसका तो 499 का ही है, 399 वाला मैं तो टीवी पर देखता हूँ, दोनों टीवी पर देखता हूँ, ड्यूरेशन कम होगा, अच्छा आजकल तो मोबाइल रिचार्ज के साथ भी दे देता है, जैसे एयरटेल का इतने का रिचार्ज कराओगे तो उसके साथ एक साल का सब्सक्रिप्शन फ्री, अच्छा चलो तो तुम लोग बस वही लेते हो डिज्नी हॉटस्टार, बस मैच के चक्कर में, और नेटफ्लिक्स किसी के पास नहीं है, तो नेटफ्लिक्स खुद खरीदे हो या किसी का, किसी और का, अच्छा एक कितने पर चल सकता है, 5-6, सर नेटफ्लिक्स में 4 चलता है, 4 नाम बनाया जाता है और 4 के थ्रू चलता है ना। चलिए मुझे लग रहा ये भी ओएसपी हो गया, ये भी क्या हो गया, ओएसपी नहीं हो गया, ये भी आईटी इनेबल्ड ही है ना। चलिए पर मुझे लगता है चैनल आने वाले समय में कोई देखेगा ही नहीं, सब कुछ तो ओटीटी पे आ गया है ना। उसके बाद क्या जितने भी ओएसपी होंगे क्या उनको ओएसपी रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा इंडिया में, अगर आप ओएसपी रजिस्ट्रेशन नहीं लेंगे, और ओएसपी रजिस्ट्रेशन किससे लेना है, डिपार्टमेंट ऑफ टेली कम्युनिकेशन है ना, डॉट से लेना है, तो ये लिखा है ओएसपी रजिस्ट्रेशन आपको अलग से लेना पड़ेगा, बताओ तो क्या क्या करेंगे तो लेना पड़ेगा, टेली बैंकिंग, टेली मेडिसिन, टेली एजुकेशन, टेली ट्रेडिंग, ई कॉमर्स, कॉल सेंटर, ये सब अगर आप करेंगे तो। पहले टेली बिजनेस कैसे होता था बताता हूं, बताओ एक आता था naptol.com, आजकल भी टीवी ऑन करोगे तो कभी कभी वो चलता रहता है, उस पर तो क्या करता है वो लोग, सिर्फ फोन से ही तो होता है कि फोन पे आप फोन कीजिए और उसके बाद आपके घर पे आ जाएगा, कितना चिल्लाता है वो लोग देखे हो, बस 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 एक ही बचा, एक ही बचा, एक ही बचा, बस जल्दी से फोन कर लीजिए, एक ही बचा, एक ही बचा, ऐसे करता रहता ना,
टाइम खत्म है, आज घंटी में बजाता रहता है। अच्छा, ओएसपी का अगर रजिस्ट्रेशन कराना चाहते हैं तो सबसे जरूरी है कि आप क्या होने चाहिए, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी होने चाहिए, प्राइवेट ही होने चाहिए, पब्लिक नहीं होने चाहिए। देखो साफ बोले हुआ। दूसरा, कौन कौन डॉक्यूमेंट, एक तो सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन दीजिए कि आप प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, एमओए दीजिए, एओए दीजिए, बोर्ड रेजोल्यूशन दीजिए या पावर ऑफ अटर्नी दीजिए, जिससे कि जो आदमी आया एप्लीकेशन लगाने के लिए वो पता चल जाए। बिजनेस का नाम बताइए, कौन काम करेंगे ये बताइए, डायरेक्टर्स का नाम दीजिए और प्रेजेंट शेयर होल्डिंग दीजिए। ये सारे के सारे डॉक्यूमेंट जो है ना, ये आपको सर्टिफाई करवाना पड़ेगा किसी कंपनी सेक्रेटरी से या डायरेक्टर से या स्टैचुरी ऑडिटर से या पब्लिक नोटरी से। बताइए, इतना या कर दिया, सिर्फ कंपनी सेक्रेटरी लिखे फुल स्टॉप नहीं मार सकता था, है कि नहीं? तो जितने भी लोग ओएसपी कराने आते हैं वो हमसे साइन करवाने के लिए आते आते कि नहीं आते? जैसे नेटफ्लिक्स वाला भारत में आता तो पहले हमसे साइन कराता, हम लोग बोल देते पहले सब्सक्रिप्शन दो 10-20 साल का, उसके बाद, है ना। चलिए नंबर लास्ट ही है ना। चलिए नंबर लास्ट वाले में क्या है जरा देखे, INB का मतलब इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, उसके साथ और नाम जुड़ गया, द प्रेस एंड फिल्म्स। तो बताओ क्या क्या चीज में आएगा, इंफॉर्मेशन, ब्रॉडकास्टिंग, प्रेस, फिल्म्स, ये सब आता है। इसका एक अलग से मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री का नाम बोलो, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग। वो क्या क्या देखता है सुनो, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ब्रांच है जो देखता है इंफॉर्मेशन इंडस्ट्री को, ब्रॉडकास्टिंग को, प्रेस को और फिल्म्स को। इसका मतलब ये जितने भी न्यू चैनल हैं किसके पास आते हैं, INB, है ना, इनका मेन जो है वो है प्रसार भारती। जानते हैं प्रसार भारती का नाम कौन है? प्रसार भारती, दूरदर्शन, ऑल इंडिया रेडियो, ये सब जो सरकारी चैनल नहीं है ये प्रसार भारती है। क्या ये प्रसार भारती? यहीं पर तो शायद मंडी हाउस के आसपास है प्रसार भारती, देखे हो कभी प्रसार भारती का? नहीं देखे हो? हेड ऑफिस मंडी हाउस के पास से ही दिखता हो। उसके बाद CBFC, CBFC मतलब सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन, ये भारतीय सेंसर बोर्ड, पहले इसका नाम था भारतीय सेंसर बोर्ड। जब भी कोई फिल्म स्टार्ट होता है तो देखना इसका सर्टिफिकेट आता है, देखो CBFC का एक सर्टिफिकेट आता है। आजकल तो सर्टिफिकेट का फॉर्मेट बदल गया है, पहले एकदम बड़ा सा OU ऐसे करके, हाँ यू ऐसे करके लिखा नहीं रहता था पहले, हाँ स्लैश करके ऊपर एक सर्टिफिकेट आता है। आजकल सर्टिफिकेट मैं देख रहा हूँ ऑनलाइन हो गया, वो आजकल जो नया नया सर्टिफिकेट दिखा रहा है, अब तो सर्टिफिकेट तुम लोग देखोगे ही, अब तो फिल्म सब आने लगी है ना। अच्छा, तो ये CBFC क्या किसको देखता है बेसिकली? ये मोशन पिक्चर्स को देखता है। बताइए INB का दायरा कहां कहां है, ऑल इंडिया रेडियो, दूरदर्शन, ब्रॉडकास्टिंग, टेलीविजन, इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ फिल्म का मतलब हॉलीवुड की फिल्म से आती है ना, तो वो क्या हो गई इंपोर्ट, और यहां की फिल्म बाहर जाती होंगी तो वो हो गई एक्सपोर्ट। यहां की फिल्म जाते हैं बाहर, कौन से देश में चलता है इंडियन फिल्म खूब? पाकिस्तान में, पाकिस्तान में छिप छिप के चलता है, खुलेआम नहीं चलता है, मना किए ना वो लोग वहां पे, उनकी फिल्म इंडस्ट्री बर्बाद हो गई थी ना इंडिया के फिल्म की इंडस्ट्री की वजह से, शायद कहीं आप अलाउ कर दिया हो। और कहां कहां चलता है, श्रीलंका में, एक श्रीलंका का एक गाना आया और मुझे लगता है एम आई द ओनली पर्सन जो बड़ा लेट मुझे पता चलता है कोई भी चीज, ऐसे लंबरगिनी वाला गाना जो है वो मुझे पता चला लगभग 1 साल के बाद। और एक अभी वो कौन तो गाना है, श्रीलंकन है वो लड़की, वो बहुत बहुत, अब मैं खूब चलाया इस बार अपने पार्टी फंक्शन में, तो किसी ने बोला कि ये तो 6-7 महीने 1 साल पहले पॉपुलर हो चुका है, अब आप चला रहे हैं। अब मुझे बड़ा अच्छा लगा, वो आजकल क्या तो नाम है उसका, वो बहुत चल रहा, वो पतले पतले आवाज में गाती है, मल्हारी बोला कुछ, हाँ हाँ ऐसे वाला गाना ना, क्या है, मनहारी सुखमारी ऐसे करके है ना। अच्छा, तो मैं ही अकेला नहीं, तुम लोगों को नहीं मालूम है इसका मतलब? नहीं सुना है, नहीं सुना है, इसका मतलब मैं बच गया। सुना है रील्स में आता है, मैं रील्स से ही पकड़ा, पहले रील्स पर आया तो मैंने कहा सब इस पर डांस कर रहा है क्या भाई ये, फिर मैंने गूगल पे सर्च मारा तो उसमें एक छोटा सा वो श्रीलंकन लैंग्वेज में वो गाना गाई भी, और इंडिया में शायद उसका बहुत बड़ा नाम हो गया, और इंडिया में वो शो वो करने के लिए आ रही है, बिग बॉस में आ रही है वो, आ चुकी भी है, मुझे कब पता, मुझे कुछ पता ही नहीं चलता। नहीं 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 आई होगी अभी वो, तो इसका मतलब काफी टाइम हो गया कि इस गाना को आए हुए, अब वापस ट्रेंड हो रहा है ये। अच्छा, वापस ट्रेंड हो रहा तो मेरे लिए पहली बार है, ये हालत है। लेकिन बहुत बच्चे अभी भी नहीं जान रहे हैं, तो मैं ही अकेला नहीं हूं, तुम लोग भी हो,
है ना, वो एक पतली सी बच्ची है छोटी सी, हाइट तो छोटी ही है। अच्छा, हर लड़की की हाइट छोटी होती है, तो दीपिका पादुकोण ने क्या है? और भी तो लंबी लंबी हीरोइन सब भी तो होती हैं बहुत सारी। क्या खैर, इंडिया का जो हमारा जो हाइट का सिस्टम है उसके हिसाब से तो सब ठीक ही है ना। अब आप चले जाएंगे जापान में तो और छोटे छोटे लोग मिलेंगे, चाइना में जाएंगे तो आप अपने आप को लंबा समझेंगे। हाँ, लेकिन ये अमेरिका चले गए या साउथ अफ्रीका चले गए तब तो बस। अच्छा, फिल्म इंडस्ट्री को डेवलप करना, प्रमोट करना, काफी डेवलप कर रहा है आजकल, देख रहे हो हर फिल्म इंडस्ट्री वाला सब आराम से सोया ही रहता है। देख रहे हो काफी प्रमोशन हो रहा है ना फिल्म इंडस्ट्री का, जिसको देखो वो आजकल नशे में चूर है। उसके बाद क्या क्या करवाना, फिल्म फेस्टिवल्स। आप लोग जानते हैं मुफ्त में भी फिल्म देख सकते हैं, यहीं पे मंडी हाउस में ही प्रसार भारती बहुत बार फिल्म फेस्टिवल कराता है और मुफ्त में फिल्म दिखाता है, कभी जाके देखे हो वहां पे? उसके बाद एक ये देखा होगा आपने DAVP, बहुत बार सरकार का एडवर्टीजमेंट होता है और उसके नीचे कहीं साइड में लिखा रहता है DAVP, देखना तुम। तो भारत सरकार की तरफ से जो भी एडवर्टाइजिंग होता है, जो भी विजुअल पब्लिसिटी होता है, वो यही डिपार्टमेंट करता है। उस डिपार्टमेंट का क्या नाम है? डायरेक्टरेट ऑफ, उसको शॉर्ट फॉर्म बोलते हैं DAVP। उसके बाद सरकार का जो भी प्रेस से रिलेशन होगा, जैसे नहीं होता है प्रेस मीट होता है बहुत बार आपने देखा होगा, प्रेस रिलीज करते हैं सरकार, नहीं आती है और बोलते हैं वो लोग। फिर उसके बाद फीडबैक, स्पेलिंग ठीक कर लेना, तुम्हारे में साथ फुटबैक लिखा होगा, फीडबैक, ये सब। उसके बाद इंफॉर्मेशन एंड मास मीडिया में इंटरनेशनल कॉपरेशन कराना। चलिए INB के ऊपर जरा बताओ कौन कौन सा लॉ लगता है। क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट 1961, उसके बाद उसको हटा देना, तुम्हारे में लिखा हुआ आ रहा होगा कुछ। उसके बाद भारत का अगर रॉन्ग मैप आप पब्लिश करते हैं तो उसके लिए पेनल्टी है, ठीक है? तो मेरे तरफ मत देखो, मैं कोई पब्लिश नहीं करता हूं, वो मैं सिर्फ पढ़ाने के लिए करता हूं, कहीं पब्लिश थोड़ी करता हूं। प्रेस काउंसिल एक्ट, रजिस्ट्रेशन ऑफ न्यूज़पेपर सेंट्रल रूल्स, प्रेस एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ बुक्स एक्ट, पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग प्रोटेक्शन ऑफ पब्लिकेशन एक्ट, तो ये सारे कानून को वो देखता है। तो इसी के साथ ये छोटा सा चैप्टर हो गया खत्म।